काफी लंबे संघर्ष के बाद ब्रिटिश संसद ने यह फैसला किया कि भारत को आजाद किया जाए। भारत का आखिरी अंग्रेज अफसर मतलब आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की आजादी के लिए 15 अगस्त का दिन इसलिए चुना क्योंकि यह दिन लॉर्ड माउंटबेटन के लिए भाग्यशाली दिन था। असल में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में 15 अगस्त के दिन ही जापान ने ब्रिटिश सेना के आगे आत्मसमर्पण किया था। लंबे अरसे के बाद आखिरकार वह ऐतिहासिक दिन भी आ गया। 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन अपने दफ्तर में कामकाज में लगे थे। दोपहर में नेहरू जी उन्हें अपने मंत्रिमंडल की सूची सौंपी। उसके बाद देश ने आजादी को महसूस किया। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे, लेकिन जब देश आजाद हुआ उस जश्न में वो शामिल नहीं हो पाए। कारण यह था कि वो बंगाल में हिंदू और मुसलमानों के बीच हो रही हिंसा को रोकने के लिए अनशन पर बैठे थे। जब भारत को 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता मिली, भारत का अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। वैसे तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन सन 1911 में लिखा था, लेकिन यह राष्ट्रगान सन 1950 में बन पाया था। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन सन 1947 में ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि 16 अगस्त को लाल किले से झंडा फहराया गया था। वैसे तो भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो चुके थे, लेकिन 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को हुआ, जब रेड क्लिप लाइन खींची गई थी।